नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। ग्रेटर कलाई से एक मामला जो है वो सामने आया। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के शीशे जो है वो यहां पर तोड़े गए हैं और काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला है। और क्या कुछ पूरा मामला है जानने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद जब हम वापस रिटर्न आए तो मैंने रियलाइज किया कि राइट साइड का रियर का जो कांच है वो टूट चुका था और अंदर जो हमारे बैग्स थे जिसमें हमारे लैपटॉप्स थे, कंपनी की बिलोंगिंग्स थी, मेरा पर्सनल, मेरा पासपोर्ट था, पर्सनल एक्सेसरीज, आजकल जो भी वैल्यूबल चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मिसिंग थी। तो देन हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इसकी कंप्लेंट करवानी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ थेफ्ट केस। बट अनफॉर्चुनेटली कल मैं पूरी रात चौकी टू चौकी घूमता रहा हूँ, किसी ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली बिकॉज नोबडी कुड फाइनलाइज, स्पेशली द पुलिस की ये ज्यूरिसडिक्शन किसकी है, कंप्लेंट कौन लेगा। यानी कि यहाँ पे ग्रेटर क्लास में गाड़ी खड़ी और पुलिस वालों को पता नहीं कि ग्रेटर क्लास एरिया किसका है। एंड इट वाज अ जैम पैक्ड रोड दैट टाइम। पीसीआर की जिप्सी भी यहीं पे रहती है, मैं खुद जम्मू से हूँ, मुझे पता है ये एरिया में कितना फुटफॉल रहता है। गाड़ी से क्या कुछ निकाला गया? गाड़ी में सर दो बैग्स थे हमारे जिसमें 3 के करीब लैपटॉप्स थे, उसमें मेरा खुद का पासपोर्ट था, ऑफिस के हार्ड ड्राइव्स थे, ब्लूटूथ डिवाइसेस थे, सारे के सारे एक्सेसरीज थी और बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस ऑफिस का डेटा था बिकॉज वी आर हैंडलिंग अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। मैं और मेरे सीनियर कलीग, वो हमारा लैपटॉप जो है डैमेज हो गए, गाड़ी का अलग डैमेज हुआ है, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं गाड़ी का डैमेज भी इंश्योरेंस से क्लेम नहीं करवा पाऊंगा जब तक मेरे पास कंप्लेंट नहीं होगी। एक हैरानी वाली बात है, एक तो आपका सामान चोरी होता है, उसके बाद आपकी गाड़ी को क्लेम करने के लिए पुलिस यहाँ आती है ताकि आपकी रिपोर्ट लिखा सके और आपस में ही उनको पता नहीं है एरिया किसका, कितना शर्मनाक वाक्य है। बिल्कुल सर, आज सुबह से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने एक एडवोकेट को भी कंसल्ट किया, आफ्टर ही इंटरवीन थोड़ा पुलिस एक्टिव हुई, सारे स्पॉट पे आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आपस में कंफ्यूज हैं, एजिटेटेड हैं कि एरिया किसका है। ऑन स्पॉट दोनों कौन कौन से थाने के पुलिस वाले यहाँ पे? सर सैनिक कॉलोनी की टीम थी, छन्नी हिम्मत की टीम थी एंड देन लेटर गंग्याल की टीम केम। गाड़ी कब आपने यहाँ पे लगाई? गाड़ी कल रात को 8:30 के करीब पार्क की थी सर, और उसके बाद 9:15 के करीब हादसा हुआ है। तो मुझे ये बताइए, 3 पुलिस चौकियों की पुलिस यहाँ पे मौजूद थी तो दोनों अभी तक किसी ने फाइनलाइज नहीं किया ये ज्यूरिडिक्शन किसकी है? कुछ नहीं हुआ सर, मैं रात को 3-4 घंटे रिटर्न में एप्लीकेशन देके आया हूँ, सैनिक कॉलोनी में, छन्नी हिम्मत में और गंग्याल में, SHO के नाम मैंने एप्लीकेशन लिखी है दैट हम डिस्ट्रेस्ड हैं, हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बिकॉज मेरे साथ 2 कलीग्स थे, एक साउथ से हैं, एक हिमाचल से हैं। ये एक हमारा एक्स स्टेटहुड पे जो एक इंप्रेशन पड़ता है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी और जो एक एक थोड़ा अपनापन है वो यहाँ पे खत्म होता है बिकॉज अगर इतनी इनकन्वीनियंस होगी कौन सिविली हेल्प करेगा, कौन सोशल सर्वेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज अभी तक मेरी कंप्लेंट नहीं। पुलिस ने कुछ अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल पाया कौन सी पुलिस आपका FIR लिखेगी या फिर चोर के लिए खुली अपॉर्चुनिटी, सामान ले जाओ, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। सर हमारे लिए तो ये एक लेसन है कि आगे से जितना भी डैमेज हो वो हमारे पे ही है, बट एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सपोर्ट की जाएगी, एक रेजोल्यूशन दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो प्रोवाइड नहीं हुआ है, बट आई एम स्टिल होपफुल कि हमें ऐसे डिसअपॉइंट किया जाएगा और जल्दी हमारी कंप्लेंट रिटर्न में ले ली जाएगी। आप दोनों पुलिस थाने में किए हुए थे? मैं चारों में गया था सर। तो हमने क्या कहा? रिटर्न एप्लीकेशन ली और उन्होंने एरिया टू एरिया ब्लेम गेम शिफ्ट कर दिया। सुबह जब मैंने अपने एडवोकेट ब्रदर के थ्रू प्रेस करवाया तो टीम स्पॉट पे तो आ गई लेकिन उनका भी इंटरनली एमिकेबली कोई डिस्कस नहीं हुआ, सो वो भी थोड़ा बाहर है कि पुलिस को 4 पुलिस स्टेशन में आपके और आपको पुलिस को जो है इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये एरिया किसके अंडर है। सर पुलिस यहाँ पे आई मेरे साथ, वेरीफाई भी किया स्पॉट, गंग्याल से टीम आई, उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली बोल दिया सिग्नल के इस तरफ हमारा एरिया नहीं है और 11 बजे रात को मैं सिग्नल के दोनों तरफ घूम रहा हूँ और मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई है और मेरे लिए ये काफी एक अनफॉर्चुनेट और बड़ी शर्मनाक चीज रही है। और मेरे पे तो कम एमेज रहा है, जो हमारे बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने उनके ऊपर एक बहुत शेमफुल सा एक्सपीरियंस हो जाता है, दे फील मोर इनसिक्योर फॉर कमिंग टू J&K दीज डेज। रेस्ट यू कैन टॉक टू हिम इफ यू वॉन्ट। सर क्या कहना चाहेंगे, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? लास्ट नाइट द पुलिस केम टिल दैट द स्पॉट बट आफ्टर दैट दे सेड इट इज नॉट माय जुडिशियन यू गो फॉर अदर पुलिस स्टेशन। अराउंड 4 to 5 hours माय फ्रेंड आई वेंट फॉर अदर पुलिस स्टेशन बट नो वन टेक द कंप्लेंट। सो फॉर पुअर पीपल आई डोंट नो हाउ दे ट्रीटिंग गोइंग टू ट्रीट पुअर पीपल इज टोटली इनसेक्योर इन जम्मू। आई एम फीलिंग एम्बैरस्ड एंड आई एम फीलिंग अफ्रेड हाउ टू सर्वे इन जम्मू दिस काइंड ऑफ क्राइम्स, लोकल क्राइम्स इज हैपनिंग इन मेन एरियाज। अभी तक कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की? टिल नाउ नो रजिस्टर। तो देख सकते हैं आप, ये वो गाड़ी है, यहाँ से 3-4 के करीब जो है वो लैपटॉप यहाँ से चोरी कर दिए जाते हैं और शीशे को तोड़कर जो है वो यहाँ से पूरा सामान चोरी किया जाता है। लेकिन जब ये पुलिस के पास जाते हैं, लगभग आसपास के
चार थानों से ये जो हम वो चक्कर काट कर आ गए हैं, और एक एक ये कहता है कि ये दूसरे थाने के अंडर है, और दूसरा कहता है कि ये तीसरे के अंडर है, और तीसरा कहता है कि दूसरे यानी कि चौथे थाने के अंडर जो है वो एरिया पाया जाता है। ना जाने ये कौन ये पॉइंट जो है वो ग्रेटर कैलाश का कौन से थाने के अंडर पाया जाता है। हम भी यही कहेंगे पुलिस, शायद पुलिस को इस बात का जो है वो नॉलेज नहीं है कि ये एरिया जो है वो किसके अंडर पाया जाता है। ऐसे में एसएसपी साहब को कहीं ना कहीं ये जो है वो बताने की बेहद जरूरत है पुलिस को, जो भी एसएचओ से कंसर्न जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि ये एरिया जो है वो कौन से ज्यूरिसडिक्शन कौन से थाने की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जो है पाया जाता है। फिलहाल ये आप गाड़ी देख सकते हैं कि गाड़ी के शीशों की पूरे तरीके से तोड़फोड़ करके जो है वो यहाँ गाड़ी के अंदर से लगभग 3 से 4 के करीब जो है वो लैपटॉप यहाँ से चोरी किए गए हैं। जम्मू के ग्रेटर कैलाश से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक गाड़ी से जो है वो शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी कर दिए जाते हैं, और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे मामला दर्ज करने के बजाय जो है वो टालमटोल करती रहती है, और ये कहती है कि ये एरिया जो है वो हमारे अंडर जो है वो नहीं पड़ता। हालांकि इन्होंने चार थानों के चक्कर काटे हैं, लेकिन वहां से इन्हें सिर्फ एक ही जवाब सुनने को मिला है कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं पड़ता, ये दूसरी चौकी या दूसरे थाने के अंदर पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई भी किस तरह की कंप्लेंट जो है वो इनकी दर्ज नहीं की गई। लिहाजा ये इस वक्त ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी क्लेम बनता है वो इन्हें मिलना चाहिए, और साथ साथ जो सामान इनका चोरी हुआ है 4 के करीब जो लैपटॉप चोरी हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो चोरी किया गया है वो जो है वापस इन्हें लौटाया जा सके। हैरान कर देने वाला मामला था, इस पर आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।